वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया था। उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज जाने से रोकेगी। पुलिस का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेडी नेता तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, तेजस्वी यादव के घर की, जहां के बाहर की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और साथ गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमिटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है, तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं, तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। हम जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। आपको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है कि आप लॉकडाउन? लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए, तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें चिंता इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि अगर इस तरह से भीड़ होगी और कोरोना जैसे संक्रमण के वक्त में लोग इतना करीब खड़े होंगे, तो अंदाजा लगाइए कि ये खतरा कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।